आर यू श्योर यही एड्रेस है? क्योंकि ये तो तोशनीवाल हाउस है। नो नो, ये तो किसी मेनका का घर है। अरे भाई साहब जल्दी उतारो ना। श्रेया प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, लेकिन तुम बाहर गली में मिलना। ठीक है मैं तुमसे घर के बाहर ही मिल लूंगा, पर तुम जल्दी आओ। ईशा, उफ़ा, क्या हुआ बेबी? इतनी अपसेट क्यों बैठी हो? और तैयार भी नहीं हुई पार्टी के लिए? 3 महीने से, पूरे 3 महीने से मैं वैभव की बर्थडे पार्टी के लिए इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। नो कार्ब्स, नो शुगर, सब कुछ। वेस्ट लाइन देखो मेरी। इतनी मेहनत से मैंने अटेन की है, पता है आपको? आपको क्या पता होगा? Excuse me, मुझे पता है, मेरी भी वेस्ट है, बट वो साड़ी पहनती हूँ ना तो 2-3 inches add हो जाते हैं। Stop it, mom. मैं already इतने stress में हूँ। एक तो सारा मेरा plan चौपट हो गया। ऊपर से ना सबको अपनी चलानी है। किसी को decor पसंद नहीं है, किसी को वो पसंद नहीं, किसी को ये पसंद नहीं है। Okay. Decoration की वजह से नाराज हो? Chill, baby. Everything will be fine. Your party is going to be a super duper hit. देखना, वैभव कितना impress होने वाला है तुमसे। So, calm down. और प्लीज मूड खराब मत करो वरना डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। ओह या, ओके, आई थिंक दिस वेडिंग दिस नो। लेकिन मॉम पार्टी तो अच्छे से होगी ना? अगर ये पार्टी फ्लॉप हुई ना तो मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। अरे कुछ नहीं होगा, योर पार्टी इज गोइंग टू बी परफेक्ट एंड क्लासी, जस्ट लाइक माय बेबी। हां चलो जा, अभी तैयार हो जा, गेस्ट आते ही होंगे। गो गेट रेडी। किया, ओके। God, मेरी दोनों बेटियां और उनका एटीट्यूड एकदम रॉयल प्रिंसेस की तरह है। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। मैम जी, एक प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? सारा खाना चोरी हो गया। खाना चोरी हो गया? खाना कैसे चोरी हो सकता है? पता नहीं, किचन में ही रखा था खाना। 2 मिनट के लिए बीवी से बात करने के लिए साइड में गया, वापस आया तो देखा सारा खाना गायब। आप जाइए, प्लीज गो। खाना चोरी हो गया? ओ माय गॉड, अब क्या करें? ईशा पहले से इतनी अपसेट है और अगर अब उसे अब पता चला कि उसकी पार्टी फ्लॉप होने वाली है तो तानी क्या करेगी? माय गॉड, गेस्ट भी अभी आते होंगे, खाना भी नहीं है। खाना गायब कैसे हो सकता है? आई कांट अंडरस्टैंड। अरे भाई, यहाँ भोज में मदद करने के लिए जो लोग आए हुए हैं कहाँ बैठे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, कैसे होगा ये सब बताइए। पंडित जी, मैं कुछ मदद कर दूं? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इससे अच्छा क्या तरीका होगा उसे मनाने का? आप भोज की जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो पुणे का काम है, कीजिए आप। आइए बहन जी, आइए। अरे आशा, क्या है ये, क्या लेके आई हो? ये सब बाद में पूछना अंकल, पहले मेरी हेल्प तो करो। अरे हाँ हाँ हाँ, वजन है इसमें, क्या है? पार्टी का खाना। पार्टी का खाना? हाँ। साले साहब का बर्थडे पार्टी का खाना? हाँ। अरे यहाँ लेके आ गए मेहमान, क्या खाएंगे? ईशा आंटी दिन में जितनी बार कपड़े बदलती है ना उससे ज्यादा उनका मूड बदलता है। अब मना कर दिया, नहीं चाहिए खाना। ये खाना वेस्ट तो नहीं होने देती मैं, तो यहाँ ले आई। आप मेरी हेल्प तो करोगे ना खाना फिनिश करने में? ऐसे खाना फिनिश करने में तो मैं माहिर हूँ, लेकिन इतना सारा अकेले नहीं नहीं नहीं। ऐसे एक आइडिया है, एक मिनट। भाई साहब 5 स्टार का खाना है, बहुत टेस्टी है, आते हैं लेके। चलो चलो चलो। Thank you.
कुछ भी हो जाए मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। आशा, आशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? देखो ना दादी, मुझे अपने साथ अपने घर तो लेकर आ गई, लेकिन मेरे साथ कोई खेलने वाला ही नहीं है। एकदम अकेली पड़ गई हूँ मैं। आप खेलेंगी क्या मेरे साथ? नहीं नहीं आशा, मैं नहीं। मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ और उसके बाद मुझे कहीं जाना भी है। पर तुम रोना बंद करो हाँ, तुम्हें कोई ना कोई जरूर मिलेगा तुम्हारे साथ खेलने वाला। हाँ, बस फिर से मुंह फेर लो आप मुझसे। आपसे और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? पहले भी ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, आज फिर। अगर मेरी अपनी माँ होती ना तो मुझे कभी मना नहीं करती, मेरे साथ जरूर खेलती। माँ कहाँ हो तुम, मेरे साथ आके क्यों नहीं खेलती? अच्छा बस बस, रोना बंद करो, 5 मिनट ठीक है? सच्ची? हाँ, लेकिन तुम प्रॉमिस करो उसके बाद तुम रोना बंद करो। पक्का प्रॉमिस। बताओ क्या खेलना है? आओ ना इधर बैठो। ये कैसा खेल है? लुको तो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? रुकोगे? कुछ दिख तो नहीं रहा? नहीं बाबा, कुछ दिख नहीं रहा। गुड, फिर अरे आओ आओ आओ। अब मुझे पकड़ो। आंख में चोले क्यों डर गए? हार जाएंगी? अब नहीं नहीं, मैं नहीं डरती। रुक जा, अभी पकड़ती हूँ तुझे शैतान बच्ची। अरे उधर का, इधर। अरे इधर इधर, अरे इधर इधर, इधर इधर। मैंने वादा किया था ना माँ, आज आप अपने घर में वापस जरूर आओगे। बस एक कदम और, बस एक कदम। मम्मी पापा, ये हुई ना हीरो हीरोइन वाली एंट्री।
वैभव। चॉकलेट मफिन, माय चूरी पाई, आ गई तुम? श्रेया, तुम यहाँ हो? हमने तो कहा था कि घर के बाहर मिलोगी। ओह, दैट्स ग्रेट ना, श्रेया, बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एनीवेज, श्रेया, मीट वैभव, ही इज माय स्पेशल पर्सन। जिसके लिए मैंने इतनी ग्रैंड पार्टी प्लान की है। ही इज द वन। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी आप दोनों ऑर्गेनाइज करें। मैं अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में उसे प्रपोज करने वाली हूँ, तो एटलीस्ट लव वर्ड्स के लिए आप इतना तो कर सकती हैं ना? वैभव, सो ही इज वैभव तोशनीवाल। लेकिन ये घर तो महंगा का है। Oh yeah, that's my mom. Actually, क्या है ना कि my mom is very kind-hearted. She's very दयालु, very कृपालु. ये घर तो बिक रहा था। But मेरी mom ने पूरी फैमिली को सड़क पे आने से बचा लिया आज से 7 साल पहले। सच पूछो तो my mom is रतलाम की मदर टेरेसा? That she is. What? खाना कल मिलेगा? अरे भाई, मेरे घर में पार्टी आज है, तो खाना कल मिलेगा तो मैं उसका क्या करूंगी? आज खाना चाहिए मुझे, आज भेज दीजिए। देखिए, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लीजिए प्लीज, मगर भेज दीजिए। नहीं हो पाएगा? बाप रे, देखिए आप थोड़े पैसे ज्यादा ले लीजिए ना, बट भेज दीजिए प्लीज। देखिए, आप जानते नहीं आप किससे बात कर रहे हो, ओके? मैं मेनका हूँ। हेलो, इसे तो बाद में देख लूंगी मैं, लेकिन अब किसे फोन करूं? अमन, अमन रेसिडेंसी को फोन करती हूँ। पिकअप, पिकअप, फोन उठाओ। ओहो, नंबर बिजी आ रहा है। ओफो, इतने लास्ट नोटिस पे कहाँ से खाना मिलेगा मुझे? नहीं नहीं, ईशा की पार्टी फ्लॉप नहीं हो सकती। ओफो, कहाँ से आएगा खाना? कौन बना सकता है इतना जल्दी खाना? सविता, सविता ये है जो सबसे सुपर फास्ट और टेस्टी खाना बना सकती है। ओह, आई एम सो सिली, आई एम सो स्टुपिड। मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं। एनीवेज, एवरीवन, ये वैभव है। वैभव, ये है अभिराज और ये है। पता है, शी डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। ये जहां भी जाती हैं ऐसी मेमोरीज बनाती हैं कि इंसान चाह के भी अपने जहन से बाहर निकाल नहीं सकता। मैंने ना कुछ ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि तुम उस बच्ची से बहुत अटैच हो गई हो। श्रेया, प्लीज बताओ कुछ है तो। वैभव, श्री हमारी बेटी है। I hate you, श्रेया। भुलाने वाले काम तो आपने भी नहीं किए, चोट ऐसी देते हो जो कभी ठीक ना हो। So, you two already know each other. I mean, आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? Obviously जानते हैं। वैभव और श्रेया husband wife थे। थे। Life में कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। हमने उस गलती को सुधार लिया है। हाँ, अलग होना हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। ओह गॉड, ये तो पति पत्नी और जब भी मेट हो गया। I'm sorry. क्या है ना कि डिवोर्स के बाद इतना हेट्रेड हो जाता है, इतना सब कुछ हो जाता है, नंबर्स तक ब्लॉक हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आप दोनों फिर से कांटेक्ट में आ गए, सब मेरी वजह से।
I'm really very sorry. Shreya, तुम्हारे लिए तो बहुत painful रहा होगा ना? I mean, पूरे 7 साल बाद वापस से अपने ex-husband के सामने ऐसे आना. I'm so sorry and I'm extremely very sorry. अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो. I mean, सारा arrangement, decor, everything will be taken care of. You don't have to worry about it. Yeah, please. वैसे भी छोड़ के जाना तो इनकी स्पेशलिटी है. बहुत अच्छे से करती हैं वो ये. हाँ, जहाँ मुझे रिस्पेक्ट ना मिले और मेरी कदर ना हो वहाँ मैं रुकती नहीं हूँ. और ये पार्टी वो क्या है ना, पार्टी की अरेंजमेंट्स देखने की कमिटमेंट दी है मैंने. प्रोफेशनल हो या पर्सनल, मैं अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ती. ये नहीं कि जरा सी बात पे डिवोर्स पेपर्स बना लिए. जरा सी बात, शायद फिर कमिटमेंट वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता. कमिटमेंट उनके साथ की जाती है जो सच्चे होते हैं. जो इंसान झूठ बोले, धोखा दे, उसके मुंह से कमिटमेंट वर्ड सूट नहीं होता. मैं भी ना किसे समझाने की उम्मीद रख रही हूँ. 7 साल में कुछ नहीं बदला. श्रेया, तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा. नहीं अभिराज, जब मैं जिम्मेदारी लेती हूँ तो उसे पूरी तरह से निभाती हूँ. बात बात पे डील तोड़ने की फितरत नहीं है मेरी. जो काम शुरू किया है वो खत्म करके ही रहूंगी. या प्लीज, देन बी माय गेस्ट. श्योर, आफ्टर यू मिस्टर वैभव तोशनीवाल. क्या प्लीज कम इन लो. वैभव, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ पार्टी के लिए. क्या के लिए. मेरा मतलब मेरी हेल्प करने के लिए. चलो. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.